पर यहाँ पर इट्स ओपन कॉम्पिटिशन की हमारे राइट राइट में जो भी है भाई कुछ मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे शॉर्ट्स लेने के लिए। तो जी हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस, हैप्पी रिपब्लिक डे माय फैमिली। आज है 26 जनवरी, तो जिसको भी बोला जाता है गणतंत्र दिवस भी बोला जाता है। वैसे मेरे को बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी भाई हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो भाई बोल ही लेंगे। तो भाई गणतंत्र, गण बोलते हैं जनता को और तंत्र बोलते हैं प्रशासन या शासन को। तो भाई आज के दिन जो लागू किया गया था, कानून लागू किया गया था इंडिया में जनता का, वो भी यानी कि जनता का राज, यानी कि अंग्रेजों के कानून से छुटकारा। तो चलते हैं आज यामा की रैली दिखाता हूँ मैं आपको। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग इंडिया। जैसा कि आपको पता है आज है 26 जनवरी और इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपना गणतंत्र दिवस, जैसा कि आपको पता ही है। तो मैं अभी खड़ा हूँ यामा के शोरूम में। यामा निकाल रहा है आज रैली। रैली कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है वो तो नहीं पता, लेकिन भीड़ देखो भाई, भीड़ देखो भाई, गाड़ियाँ देखो क्या जबरदस्त करके लैमिनेट की हुई है भाई साहब। तो भैया आपके देहरादून के लड़के को भी इन्वाइट किया गया है इस रैली में, तो मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में। फुल जोश के साथ वीडियो होने वाला है, तो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। दिन भी बहुत खुशी का है, हमारा गणतंत्र दिवस है। कितने नंबर का ये मुझे शायद अभी याद नहीं है। 74। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गाड़ी तेज चलाते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। साथ में काफ़ी सारे ब्लॉगर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो ठीक है भाई, ब्लॉगर्स के साथ एक आज की राइड रहेगी। और दिन शायद जोश भरा है बहुत ज़्यादा। तो भाई भारत माता की जय। तो भाई यहाँ पर सारे ब्लॉगर सब इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ से अपनी राइड की शुरुआत होगी। कोई एक प्लेस ढूंढ रहे थे जहाँ से सब लोग इकट्ठे हो जाएं। अब यहाँ से गाड़ियाँ जो है लाइन से चलेगी, क्योंकि रास्ता आगे बिल्कुल खाली है और एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है भाई। गाड़ियाँ देखो क्या सेक्सी लग रही है भाई, हर तरफ सेक्सी सेक्सी गाड़ियाँ और उस पर सेक्सी सेक्सी लड़के भाई साहब, कितनी सारी गाड़ियाँ गाड़ियाँ। ओह माय गॉड। तो गाइस फाइनली अपनी जो राइड है वो पहुंच गई है रायपुर चौक पर, और जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कितनी सारी बाइकें यामा की जो है इंडियन फ्लैग लगा करके चल रही है आज। ओ माय गॉड। और अभी देखना गाइस, पीछे से एक बाइक आएगी यामा की R15 और उसमें जो एग्जॉस्ट लगा है भाई वो कतई जहर भर पा रहा है भाई। सड़कों पर जो साउंड आ रही है ना एग्जॉस्ट से, वो पूरी दिल की धड़कने हिला दे रही है। आ गई वो बाइक जस्ट हमारे पास में ही, ये देखो भाई सारे ब्लॉगर्स इकट्ठा करके भाई, सारे ब्लॉगर्स यो यो भारत माता की जय। मातरम मातरम मातरम। बहुत बढ़िया राइड करते हैं सब लोग और सेफ राइड हो रही है। बाइक्स जो है बहुत ज्यादा यहाँ की हमारे पास है और ये तो गाइस जो ये रैली जा रही है वो जा रही है द्वारा तक, और बहुत सारे ब्लॉगर्स हमारे आगे चल ही रहे हैं और बहुत अच्छी खासी स्पीड को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं इन सभी से ओवरटेक लेने की। ये लो भाई फाइनली अपन लोग पहुंच गए हैं ब्रिज पर। जितने भी राइडर्स हैं सभी को यहाँ पर इकट्ठा होना है, एक साथ होना है, जो कि यहाँ पर अभी एक फोटोग्राफी होगी, फोटोशूट होगा। यामा की जो अपनी रैली है वो पहुंच चुकी है द्वारा के ब्रिज पर, जो कि फेमस ब्रिज है निब्बा निब्बी वाला ब्रिज। सारे निब्बा निब्बी आकर के यहाँ पर फोटो ना खिंचवाए, तब तक तो वो निब्बा निब्बी बनते ही नहीं है। तो सारी गाड़ियाँ जो है भाई लाइन से लग चुकी हैं। भाई
देखो भाई इसीलिए बोलते हैं ज़्यादा जल्दी निकलनी चाहिए, कार वाले भैया ने थोड़ी जल्दी करी, सामने से आ गया ट्रक और भैया को करनी पड़ेगी अब गाड़ी पीछे, जबकि पीछे भी बहुत ज़्यादा पीछे तक लेके जानी पड़ेगी क्योंकि हर तरफ बाइकें बाइकें लगी हुई है भाई पूरे ब्रिज पर। भाई ये मेरे को पहली बार पता लगा भाई, पहाड़ गया। और भाई यहाँ नौटंकी चलते हुए एक थंबनेल के लिए भाई देखो क्या क्या फोटो ली जाती है, ये होती है यूट्यूबर की लाइफ भाई, एक थंबनेल के लिए कुछ ऐसी ऐसी फोटो ली जाती है भाई। थैंक यू भाई। तो भाई जब यहाँ से दो रास्ते मिलते हैं तो अपने को जाना होता है राइट वाले रास्ते पर जो कि जाएगा सीधा द्वारा के लिए। ये देखो भाई R15 पीछे यहाँ की MT, ओ माई गॉड सारी गाड़ियाँ पूरा थ्रॉटल देते हुए भाई, थोड़ा थोड़ा अपने को भी आ रही है जोश। तो चलो फिर एक बार भगा लेते हैं पहाड़ों पर भी बाइक को और सबको पीछे करते हुए चलते हैं आगे की तरफ। भाई तुम्हारा बाइक किसी से कम है क्या? तो भाई यहाँ पर रैली को रोका गया है कुछ फ़ोटो शूट के लिए क्योंकि फ़ोटोज़ भी बहुत ज़रूरी है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के लिए ताकि इंस्टाग्राम के थ्रू लोग जान सके कि भाई यामा भी जो है ऐसी रैलियाँ निकालता है अपने जो बाइकर्स हैं उनके साथ जिनको हम बाइक सेल करते हैं और जो मोटो व्लॉगिंग करते हैं जो व्लॉगर्स हैं उनको एकजुट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। गाइस अब देहरादून का लड़का कोशिश करेगा आपको बहुत प्यारे प्यारे से सिनेमेटिक शॉट दिखाने की, तो बाइक से सिनेमेटिक शॉट्स जो मैं लूँगा वो सिर्फ मैं ही ले पाऊंगा क्योंकि सब भाई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे जितने तुम्हारा भाई कर पाएगा। आपने देखे होंगे बाइक्स के मुझको जो बैठना पड़ता है बाइक के पीछे की तरफ को होकर के बैठना पड़ता है। ये देखो पीछे भी अभी एक बाइक चल रही है, तो भाई कुछ मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे शॉट्स लेने के लिए, कुछ यूं ही ऐसे अच्छे अच्छे शॉट्स नहीं मिल जाते। बढ़िया बढ़िया सिनेमेटिक शॉट आपके देहरादून के लड़के ने लिए हैं, अगर शॉट्स अच्छे लगे हो ना भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बहुत मेहनत लगती है भाई बहुत मेहनत छोटे छोटे शॉट निकालने में, मेहनत तो छोड़ो व्यू बहुत अच्छा है। चलो फिर वो भी दिखाता हूँ आपको, ये देखो गाइस बड़े बड़े ह्यूज ह्यूज पहाड़ हमारे माउंटेन साथ में खड़ी हुई है वहाँ पर R15 और कुछ व्लॉगर्स जो है पूरा वहाँ पर लाइन लगा करके खड़े हुए हैं आगे, अगर आपको दूर दिखाई दे रहा हो। व्यू बहुत अमेजिंग है भाई, जो भी बोलो व्यू बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी राइड है, मेरी लाइफ की पहली राइड है तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शॉट्स आपको दिखाऊँ। जो सबसे बढ़िया मतलब जिसका कंटेंट होगा ठीक है, जो सेक्सी होगा राइट उसे एमटी नहीं भाई एमटी की बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ है उसके लिए ट्रस्ट ऑटोमोबाइल्स जो हमारा शोरूम है, हमारी डीलरशिप है ब्लू स्क्वायर, हम लोग हैं देहरादून की पहली डीलरशिप है जो ब्लू स्क्वायर हुई। ब्लू स्क्वायर का मतलब आप समझेंगे कि वहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट जो आपको मिलता है यहाँ का प्रीमियम प्रोडक्ट में आप R15 समझ लें, MT समझ लें, Aerox समझ लें, जो कि नॉर्थ इंडिया के पहले शोरूम है हम लोग, जिसे Aerox बेचने का सौभाग्य प्राप्त है बेसिकली, तो वो भी एक चीज़ है। पर यहाँ पर इट्स ओपन कॉम्पिटिशन की हमारे राइट इन राइट में जो भी लड़के आए हैं जिनका चैनल है और जो मतलब अच्छा काम कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स के द्वारा, जिनमें से सब जिनका भी ब्लॉग या फिर क्या कंटेंट सबसे अच्छा होगा उसे हम ट्रस्ट ऑटोमोबाइल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे, 1,50,000 रुपए तो नहीं पर एक अच्छा सा बढ़िया सा मतलब गिफ्ट होगा उसको डेफिनेटली, ये कमिटमेंट है। तो भैया देहरादून के लड़के के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, भैया की तरफ से एक गिफ्ट रखा जाएगा, अगर व्यूज सबसे ज्यादा या लाइक सबसे ज्यादा आता है तो भाई ठोक देना लाइक, जो भी वीडियो को देखेगा भाई लाइक ठोक देना, बस इतना कर देना भाई देहरादून के लड़के के लिए। ये देखो हमारे पहले VG निकले, फिर साथ में यामा की FZ निकली है अभी, फिर साथ में यामा की कौन सी है FZ निकली है,
सभी राइडर्स है गाइज, सभी व्लॉगर्स है गाइज जो अपने साथ है आज, इतने सारे व्लॉगर्स हैं। गाइज जहाँ पर भी हमको इस तरह से करके स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं वहाँ पर हम लोग अपनी बाइक को स्लो कर लेते हैं, 20 या 30 जो भी मेंटेन करनी होती है उस तरह से कर लेते हैं। तो जगह को देख करके ही थ्रॉटल दिया जाता है, ऐसा नहीं कि भीड़ वाली जगह पर हम रेस दें या थ्रॉटल दें, ऐसा तो बिल्कुल भी किसी भी यूट्यूबर को नहीं करना चाहिए। कुछ जो करते हैं उनके खिलाफ तो वैसे भी गवर्नमेंट एक्शन ले ही चुकी है, तो हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले गाइज। तो चलो गाइज, अब सारे राइडर्स जो है आगे निकल चुके हैं, कुछ 4 गाड़ियाँ पीछे होंगी और 10 गाड़ियाँ आगे होंगी। वापस अपना लीन गेम शुरू करते हैं यहाँ से, लेकिन मोड़ों को ज़रा ध्यान देते हुए, मोड़ों पर ओवरटेक नहीं लेनी चाहिए जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन जैसे ही खुला रास्ता मिले वहाँ पर अपने को रेस दे देनी चाहिए, जैसा कि मिल चुका है रास्ता। लेकिन हाँ ठीक है, बढ़िया है। ये लो गाइज, मुझको लगता है आज तो मज़ा आ रहा होगा, आज की राइड पे, यामा की राइड पे आपको फुल मज़ा आ रहा होगा, पूरा तिरंगा लहरा रहा है आज तो। हमारे सभी बाइक्स पर तिरंगा लगा हुआ है भाई, ये देखो किस तरह से करके सभी तिरंगा लगा करके आए हैं। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन तक अब पहुंच चुके हैं गाइज, यहां से हमको जाना है रेस्तरां के लिए थोड़ा सा ऊपर। तो गाइज फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच चुके हैं, जिसका कि नाम है होम स्टैंड रेस्तरां, जो कि द्वारा के रोड पर ही पड़ता है, जहाँ पर कि हमारा एंडिंग पॉइंट है, जहाँ पर कि हमारा कुछ खाना पीना रहेगा। अभी जो सारे व्लॉगर्स हैं वो बैठ चुके हैं, ये देखिए सभी व्लॉगर्स जो है यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, यहाँ पर बैठ चुके हैं, करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बोल लीजिए या लंच बोल लीजिए, अब तो लंच का ही टाइम है। तो भैया इधर खाने के लिए आ चुकी है मैगी, गर्मा गर्म मैगी, चलो फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, भर भर के मैगी, सारे के सारे व्लॉगर बैठे हैं, कर रहे हैं मैगी इंजॉय। भैया मज़ा आ रहा है मैगी में? मज़ा आ रहा है भैया? तो भैया सारे के सारे व्लॉगर्स जो है एंजॉय कर रहे हैं मैगी अभी, लेकिन पिक्चर बाकी है, अभी बंद ऑमलेट भी बाकी है, जो कि हम लोगों के लिए ऑर्डर किया गया है। गोप्रो लेकर वाले नहीं सही है। देखो इसको कहते हैं भाई सेल्फीज, दोस्त अकेले अकेले खा रहा है, इतना कमीना इंसान है ना भाई, क्या ही बताऊँ। सुपर बाइक से साउंड। तो गाइस बढ़िया सा अपना बंद ऑमलेट आ चुका है, जो कि है यामा की तरफ से। जैसा कि आपको पता ही है आज हम यामा की तरफ से रैली पर निकले थे, तो जल्दी से अपना बंद ऑमलेट फिनिश करता हूँ और फिर मिलते हैं आपको यामा के सर्विस सेंटर पर या शोरूम पर। गरम गरम खा लो। तो भाई इधर बालों की तो पैंट बच चुकी है, क्योंकि राइड जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, और राइड करके मेरे को पहली लाइफ की जो राइड थी वो यामा की तरफ से मेरे को मिली है। बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छे से इंजॉय किया अपनी राइड को। और बाकी यामा की तरफ से जो है समोसा और कॉफ़ी जो हमको दिया गया है शोरूम पहुंचने के बाद। अबे देख।